हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित कश्यप। और अभी हम सबको पता है कि कोरोना का लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे देश में कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और इस वक्त ऐसा है कि डॉक्टर के अलावा कोई अच्छा सजेशंस इस मैटर पे नहीं दे सकता। आज फिर मैं डॉक्टर नवनीत के साथ हूँ और इस कोरोना से लेकर कुछ बातें इनसे डिस्कस करूँगा, जो कि आप लोगों को इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा। तो वेलकम डॉक्टर नवनीत। सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये है कि अभी लॉकडाउन शुरू हुआ है, लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, तो लॉकडाउन का क्या बेनिफिट होगा? और लॉकडाउन के अलावा और जो लोग लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन जो लोग लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन होने चाहिए? कुल मिलाकर बात यह है कि लॉकडाउन का पूरा फॉलो करें और घर में ही रहें, राइट जी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि लॉकडाउन के अलावा गवर्नमेंट को और क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस बीमारी से अपने कंट्री को जल्द से जल्द निजात मिल सके? जी बिल्कुल, जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जारी किया, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पे है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सिटी लेवल पे। मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि गुजारिश करूँगा कि वो प्लीज़ इसको छोटे लेवल पे भी लागू करें, जैसे ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे या फिर वार्ड लेवल पे। और मैं एक चीज़ ये बहुत अच्छी बात कहूँगा कि झारखंड गवर्नमेंट ने इस छोटी लेवल पर भी उन्होंने ये लॉकडाउन का कार्यक्रम स्टार्ट किया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कोई अगर सस्पेक्टेड केस है जो गांव में छुपा होगा, कोई वार्ड के सदस्य को ही केवल मालूम होगा, तो वो उसका स्कैनिंग कर सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन उसको तुरंत किया जाए ताकि उसका उसके बारे में पता चले कि वो इन्फेक्टेड है, सस्पेक्टेड है या नहीं। तो लॉकडाउन को बहुत छोटे लेवल से ही स्टार्ट करने की ज़रूरत है और इसको बहुत लार्ज लेवल पर ले जाना चाहिए, यानी कि हर एक स्तर पर इसे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी जैसे कि लॉकडाउन में भी लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है, इन केस ऑफ इमरजेंसी लोगों को आना जाना होता है, तो लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं बाहर, तो कौन सा मास्क कितना फ्रूटफुल होगा, कृपया इसके बारे में आप सजेस्ट करें। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि अब ये एयरबोर्न इन्फेक्शन है, तो मास्क इज एसेंशियल, चाहे आप कहीं भी हो। अगर आपका एनवायरनमेंट नोन नहीं है, मतलब आपके रूम घर के बाहर आप कहीं भी जा रहे हैं, वो आपके लिए अननोन एनवायरनमेंट है जी। तो आप अगर रूम और घर के बाहर कहीं निकल रहे हैं तो आपको मास्क बेहद लगाना जरूरी है। मास्क कैसा होना चाहिए, तो ICMR या अन्य जो भी रजिस्टर्ड या WHO, केवल N95 ही एक ऐसा मास्क है जो लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जैसे बहुत लोगों के पास N95 मास्क नहीं है, तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कम से कम जो मास्क होना चाहिए आपका 3 लेयर वाला मास्क होना चाहिए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो सब फैमिली को निकलने की जरूरत नहीं है, फैमिली में किसी एक आदमी को बोलें, किसी एक आदमी को चिन्हित कर लें, कि खासकर मिडिल एज वाले को चिन्हित करें कि वो 24 घंटे के जो भी कार्यक्रम की जरूरत हो, आपको मार्केट से लाना हो, तो दिन भर में केवल एक बार निकले और एक आदमी ने, ताकि जो मास्क की, क्योंकि अभी डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, अभी सप्लाई कम है मास्क का, तो उस हिसाब से ही हमको चलना पड़ेगा। क्योंकि ये हर परिवार में हर को मास्क नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, तो हर परिवार में केवल एक ऐसा व्यक्ति हो जो बाहर जाए, तो उसको मास्क बहुत जरूरी है, N95 मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सस्पेक्टेड पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि र्यूमर्स वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, किसी को कोल्ड हो गई, किसी को कफ हो गया, तो लोग उसे सस्पेक्टेड के केस में ला रहे हैं, तो इस कंडीशन में सस्पेक्टेड केस को पेशेंट को क्या करना चाहिए? जी, जैसे बहुत सारे लोगों को एलर्जी राइनेटिस होता है, बहुत लोगों को उनको पता होता है मुझे एलर्जी है, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो सकता है, अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो एलर्जी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे बहुत लोगों को जी। तो उनको रनिंग नोज या मतलब स्नेजिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकता है जी। तो अगर उनका ये जो प्रॉब्लम है, अगर उनका नोन है, उनको पता है कि मुझे ऐसा बहुत दिनों से हमेशा होता है जी। तो उतना घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई सिम्टम आ रहे हैं तो उनको जरूर एक उनके पर्सनल डॉक्टर या फिर किसी नज़दीक हॉस्पिटल से मिलना चाहिए। यानी कि सर्दी, कोल्ड, कॉफ, खांसी के अलावा अगर कुछ ऐसा सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स होना, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर से जाकर के मिले या नियरेस्ट हॉस्पिटल में कंसल्ट करें, राइट। हमारा एक क्वेश्चन है और एक र्यूमर्स भी है आम जनता की तरफ से कि शराब का सेवन करने वालों को कोरोना नहीं होगा, ये कितना हद तक सही है या गलत है?
जी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि WHO ने तो खासकर ये नोटिस जारी किया है कि शराब और सिगरेट बिल्कुल प्रोहिबिटेड होना चाहिए, बिल्कुल इसका सेवन नहीं करें। अभी इसके चांसेस बढ़ सकते हैं, घटने का तो सवाल ही नहीं है। सो मैं अपील करूंगा कि आप कुछ समय के लिए शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, र्यूमर्स में बिल्कुल ना जाएं। हमारा एक और अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे हेल्थ केयर स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं या फिर पुलिस कर्मी हैं, वो दिन रात अभी ड्यूटी पे अपना अपने वर्क को डेडिकेटली काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी को लेकर के आपके क्या सुझाव होने चाहिए? बिल्कुल, जो हेल्थ केयर स्टाफ हैं या पुलिस कर्मी जो हमारे दोस्त लगे हुए हैं, उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है इस समय। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि प्लीज़ उनको N95 मास्क, इसके अलावा जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए वो उनको दे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से लेकर गार्ड तक, नर्स, क्लीनिंग स्टाफ से लेकर हर किसी को ये प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट्स देना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के लोग ही प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं। अभी कोई प्रोफाइलेक्सिस के लिए कोई मेडिसिन आप अगर रिकमेंड करना चाहें इसको रोकथाम के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, ICMR ने और कुछ डॉक्टर्स ने भी प्रोफाइलेक्सिस के लिए, इसके रोकथाम के लिए हाइड्रोक्सीक्विनिन, एक एंटी मलेरियल ड्रग है, उसको रिकमेंड किया है। बट मैं लोगों को कहूँगा कि आप स्वयं ना लें, अगर आपका कोई पर्सनल डॉक्टर है जो आपको, जो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से जानता हो, जो आपकी हेल्थ स्टेटस को जानता है, तो उसके सुझाव से आप ले सकते हैं, और खुद से ना ले। अगर कोई डॉक्टर इसको बोल रहा है कि हाँ इसको ले सकते हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए, आपके हेल्थ स्टेटस को देखते हो, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्विनिन, क्योंकि कुछ लोगों पर इफेक्टिव है, बहुत लोग ठीक भी हुए हैं जितने भी अभी सस्पेक्टेड थे, और जो भी इन्फेक्टेड भी थे लोग, जो 35-30 के आसपास अभी ठीक भी हुए हैं, लेकिन मैं खुद से लेने के लिए उनको नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट भी है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी हमको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि इसका जो भी हाइड्रोक्सीक्विनिन है खुद से ना लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवनीत। अभी जो मैंने डॉक्टर नवनीत ने आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए बताया, जो भी अपडेट्स थे हमारे पास उसके बारे में आपको बताया, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, और प्रिकॉशंस के साथ साथ आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें, घर में रहें, सही तरीके से रहें, साफ सुथरे तरीके से रहें, तभी अपना देश कोरोना मुक्त हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आगे के अपडेट्स आपको मैं जरूर दूंगा अगर हमारे पास कोई अपडेट्स मिलता है तो। थैंक यू सो मच।